ये कहानी सुनाने के लिए हमने अपने बीच में इनवाइट किया है हर ग्रेस नंदिनी कांता माता जी के लिए। हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो माता जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आज माता जी को फर्स्ट टाइम हमने इनवाइट किया, तो माता जी बचपन से ही बताती हैं कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन थी। वो हमेशा से कुछ ढूंढ रही थी और उन्हें ऐसा पाथ नहीं मिला। लेकिन 15 साल पहले वो अपने मामा जी के थ्रू, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनसे उनके थ्रू उन्होंने चैंटिंग स्टार्ट की। और उसके बाद वो काफी टाइम से चैंटिंग कर रही थी। और 2014 में माता जी नोएडा से कनेक्ट हुई। 2014 में ही, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा नोएडा टेम्पल का उद्घाटन हुआ था, तभी वो आई थी यहाँ पे और वो यहाँ पे जुड़ी। और फिर मंदिर में जब वो आने लगी तो उनकी बिल्कुल लाइफ चेंज ही हो गई डिवोटी एसोसिएशन में आके, ऐसा माता जी बता रही थी। और डिवोटी एसोसिएशन में हम सबकी भी लाइफ कितनी चेंज हुई है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है। फिर माता जी ने 2016 में फर्स्ट इनिशिएशन लिया। और उसके बाद माता जी ने अपने प्रभु जी के साथ भक्ति शास्त्री बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और उसके बाद माता जी ने अभी 2021 में ही ब्राह्मण इनिशिएशन भी लिया। जो भी इस्कॉन से बहुत पहले से कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि ब्राह्मण इनिशिएशन की क्या वैल्यू है और कितनी मुश्किल से मिलती है ब्राह्मण इनिशिएशन। सो माता जी ने अभी सेकंड इनिशिएशन भी लिया। और माता जी की कुछ सर्विसेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज माता जी करती हैं, जैसे कि माता जी अपने प्रभु जी के साथ राजभोग की सेवा में आती हैं एवरी सैटरडे। और माता जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव अपना टैलेंट भगवान की सेवा में लगाती हैं, जैसे कि भगवान की ड्रेसेस स्टिच करना। तो एंड शी इज वेरी फॉर्चुनेट कि उन्हें श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश के ड्रेसेस भी स्टिच करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। और वो अपने डीटीज की भी बहुत सुंदर ड्रेसेस स्टिच करती हैं। माता जी प्रीचिंग करती हैं जिस सोसाइटी में रहती हैं, वहाँ पे बहुत लोगों को उन्होंने प्रीच किया है भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन से और हरिनाम कीर्तन से, उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा है। और माता जी के घर में बहुत ही सुंदर श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, जिनकी वो सेवा करती हैं। और डीटीज हैं, मैं आपको बता दूं डीटीज की सेवा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे माता जी के बहुत ही सुंदर विग्रह की। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। तो आप देख सकते हैं श्रीला प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की डीटी है। तो ये माता जी के बहुत सुंदर विग्रह हैं। माता जी के घर का ये ऑल्टर है। माता जी अपने पूरे परिवार के साथ भगवान की सेवा में लगी हुई है। माता जी के दोनों बेटे भी चार नियमों का पालन करते हैं। कलयुग में चार नियमों का पालन करना बहुत बड़ी तपस्या है। और माता जी के दोनों बेटे सुपुत्र उनके दोनों अः चार नियम का पालन और एकादशी का व्रत करते हैं और सब सेवा करते हैं भगवान की। अब हम माता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि माता जी स्टार्ट कर सकती हैं आज का सेशन। थैंक यू माता जी, ओवर टू यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण भ्रष्टाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिति नामस्त सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं सीता ठाकुरायन माता जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया है। वो हमेशा सबको पुशअप करती रहती हैं और उन्होंने ही मुझे, उनके पुशअप की वजह से ही मैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं तुम्हें करनी है ये सेवा। तो मुझे भी, मेरे मेरे मन में भी उत्साह आया कि मैं ये सेवा करूं।
और आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। तो आज के विषय के अनुसार सबसे पहले हम भगवद गीता का महत्व जानेंगे और फिर हम एक कथा सुनेंगे जो भगवद गीता के साथ के महत्व को भगवद गीता के महत्व को और गहरे से मतलब कि हम समझ पाएंगे और अपने हृदय में विश्वास कर पाएंगे कि हम भगवद गीता के साथ हमारे जीवन में भगवद गीता की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भगवद गीता के सिद्धांतों को ग्रहण करता है अपने जीवन में उतारता है उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और उसके सारी जो समस्या का वो उसका स्थाई हल मिलता है उसे। ऐसा नहीं कि कुछ टेम्परेरी कुछ भी, भगवद गीता में जो कुछ भी है वो स्थाई है, स्थाई रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अगर हम जुड़ते हैं भगवद गीता के साथ तो स्थाई परिवर्तन आएगा, जो भी होगा वो स्थाई रूप से होगा हमारे साथ। तो यही भगवद गीता का सार सर्वस्व है। जब कोई भगवद गीता का उपदेशों का पालन करता है तो उसके जीवन के सारे दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जैसा कि कहा गया है कि भक्त शोका आदि वर्जिता, कि उसके जीवन का जितना भी भय है वो सारा कुछ भय खत्म, भय से मुक्त हो जाता है जीवन जो है, भय मुक्त हो जाता है और अगला जीवन जो है आध्यात्मिक हो जाता है। तो जैसे आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में चारों तरफ बहुत युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, बड़े देश छोटे देशों के ऊपर अपना एकाधिकार करना चाहते हैं, स्वामित्व जमाना चाहते हैं। तो सब जगह हम देख रहे हैं कि अशांति है चारों तरफ, कली का प्रकोप देख रहे हैं हम। तो इस सब का क्या हल है, वो हमें एक शंकराचार्य द्वारा रचित एक श्लोक में हमें समझ आता है, जो कि उन्होंने इसका स्थाई हल बताया कि जो हमें संसार में होना चाहिए, जो इस पूरे विश्व को उस श्लोक के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। आइए हम वो श्लोक करेंगे। एकम शास्त्रम देवी देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एम, एको मंत्र तस्य नमामि यानी कर्मापयकम तस्य देवस्य सेवा। ये श्लोक शंकराचार्य जी द्वारा रचित है और ये आज का जो युग है, आज के युग के जो भी लोग हैं वो एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। इसलिए मतलब कि सब पूरे विश्व में समान रूप से हो, समान रूप से एक ही शास्त्रों, एक ही ईश्वर को माना जाए, एक ही मंत्र का हो और एक ही कार्य करे। तो अब हम इस श्लोक का एक एक लाइन के साथ अनुवाद देखते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एम, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। अब थर्ड लाइन पे आएंगे हम। एको मंत्र सत्य नमामि यानी, एक मंत्र और एक प्रार्थना हो और उनके नाम का एक कीर्तन हो, पूरे विश्व में एक ही मंत्र का कीर्तन हो और वो मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य वो कर्मापयकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। इस मंत्र से प्रभावित होके इस मंत्र के अनुसार अगर हम अपने जीवन को ढालते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ शांति प्रेम सेवा भाव मैत्री भाव होगा और केवल एक ही ईश्वर, एक कार्य, एक मंत्र और एक ग्रंथ के साथ ही हर जीवात्मा का जुड़ाव होगा। और इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की रचना करी, भगवद गीता यथारूप इसकी रचना करी, जो कि भगवान के मुख से निकली हुई भगवान की वाणी है, भगवान वो जीवित ग्रंथ है और वो जड़ नहीं है, वो चेतन है
और इसका अब हम जब जब हमारे जीवन में जो कभी भी जो भी समस्या आएगी या कुछ है, अगर हम भगवत गीता का निरंतर अध्ययन करते हैं तो हमें हमारी समस्या के साथ साथ ही भगवान हमारी समस्या को समझते हैं और उसका हल उसी दिन या उसी दिन, जैसे हमें सुबह अगर हमारे कोई समस्या को हमने फेस करा तो शाम तक हमें कोई ना कोई किसी मंत्र के द्वारा किसी श्लोक में हमें उसका हल मिल जाता है। और ये मेरा नहीं, कई कई लोगों का, कई भक्तों का ये अनुभव होगा। तो ऐसा ही अनुभव एक अब हम एक कथा के द्वारा करेंगे और देखते हैं कि भगवत गीता हमारे जीवन में किस तरह से प्रभावित करती है। तो चलो आज हम एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द डेमन ऑफ डाउट, शंका का असुर। जब हमारे हृदय में एक शंका का असुर बैठ जाता है तो उससे क्या होता है और फिर उस असुर को हम कैसे दूर करते हैं, ये दो पॉइंट हैं जो हम इस कथा में समझेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात थी, एक ब्राह्मण थे, वो अपनी पत्नी के साथ अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और अपना जीवन यापन भिक्षा के द्वारा करते थे। जब भी वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो गांव जाते थे और वहां से भिक्षा लेके आते थे और अपना जीवन यापन करते थे। किंतु ये सब इस क्रिया के साथ साथ उनका एक एक जीवन का पक्का नियम था कि वो जब सुबह स्नान आदि से, दैनिक कार्यों से और स्नान आदि से फ्री होके वो भगवत गीता का अध्ययन करते थे और जब शाम को भिक्षा लेके आते थे और अपना भोजन आदि लेके और फिर स्नान आदि करके वो फिर भगवत गीता का अध्ययन करते थे। दिन में वो दो बारी भगवत गीता का अध्ययन करते थे और ये उनके जीवन का पक्का नियम बना हुआ था। इस तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, सुख शांति के साथ रह रहे थे। एक दिन वो अपने भगवत गीता का अध्ययन करने लगते हैं, सुबह के सब कामों से निवृत्त होते हैं और अपना भगवत गीता का अध्ययन करने लगते हैं। तो जब वो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो वो भगवत गीता का 9.22 श्लोक अध्याय 9 का 22 श्लोक उनके भगवत गीता में आता है जिसका वो अध्ययन करते हैं, जो इस प्रकार है। अन्य चित्यत माम ये जना पयुरुपासते तेषां नित्य भी अभियुक्ता नाम योग क्षेमहमिहम। जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये भगवान ने प्रत्यक्ष और साक्षात रूप में उन्होंने कहा है और अहम शब्द कहा है, जो कि यहाँ पे इस श्लोक में अहम शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। जब वो कहते हैं कि मैं पूरी करता हूँ, भगवान स्वयं आते हैं, भगवान अपने भक्तों को के द्वारा नहीं कराते हैं, वो स्वयं आके अपने भक्त की इच्छा, अपनी इच्छा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जो उनके पास होता है उसकी रक्षा करते हैं। ये भगवान स्वयं ने 9.22 में कहा है। जब ब्राह्मण जी श्लोक पढ़ते हैं तो उनके हृदय में एकदम शंका का असुर जागृत होता है। वो कहते हैं कि भगवान तो सुप्रीम लॉर्ड पर्सनैलिटी है, भगवान तो इतने मतलब कि उनके लिए तो वो तो किसी को भी कहेंगे और अपना उनका कार्य हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि भाई भगवान खुद जाएंगे और अपने भक्त का कार्य करेंगे? तो ये उनको ब्राह्मण जी को ये अच्छा सा नहीं लगता, वो समझ नहीं पाते इस चीज को और वो सोचते हैं कि मैं मतलब कि मेरे को नहीं ये बात समझ आ रही, भगवान तो किसी को भेजेंगे और वो कार्य हो जाएगा किसी की सहायता से, लेकिन भगवान खुद सहायता करेंगे ऐसा मुझे नहीं ये बात समझ आ रही। और वो उनका मन जो होता है ना उस शंका से घिर जाता है और वो जो इस श्लोक का जो अहम शब्द है उसके ऊपर लाल शाही रेड इंक से क्रॉस कर देते हैं, अहम शब्द को क्रॉस कर देते हैं और वहीं पे अपनी कलम रखते हैं और भगवद गीता को बंद करते हैं और भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं।
लेकिन उनके हृदय में बार बार ये संशय का बीज था कि ये वो असुर बार बार अपना कार्य कर रहा था उनके हृदय में, जो संशय का असुर था वो उनको बार बार पिंच कर रहा था कि ये तो ये ऐसे ही है, ये गलत है, ये श्लोक ठीक नहीं है। और वो अपना झोला उठाते हैं और अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि गांव से बाहर रहते हैं तो गांव में जाके वो भिक्षा लेते हैं। तो वो गांव जाते हैं और एक दरवाजा, जैसे एक किसी के दरवाजा खटकाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किंतु बाई चांस उस दिन कुछ ऐसा संयोग बैठता है कि उनको एक भी घर से एक सिंगल चावल का दाना भी भिक्षा में नहीं मिलता है। कोई भी किसी भी जितने भी घरों में जाते हैं उन ब्राह्मण जी को कहीं से भी भिक्षा नहीं मिलती है और ना ही एक चुटकी नमक मिलता है। तो बहुत मतलब कि असमंजस की स्थिति में होते हैं। वो सोचते कि ऐसे कैसे हो गया कि एक आज मुझे कुछ मिला ही नहीं। और वो भूखे प्यासे होते हैं, ना उन्होंने कुछ खाया, ना उन्होंने कुछ पाया, ना उनके पास कुछ, उनके झोला भी खाली। तो वो बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है और शाम तक वो थक भी जाते हैं। तो वे फिर सोचते हैं कि अब मुझे, मैं घर जाता हूँ, मैं, क्योंकि उनका मन बहुत खराब होता है कि मुझे आज तो कुछ मिला ही नहीं है। तो इन द मीन टाइम जब वो ब्राह्मण भिक्षा ले रहे होते हैं, इतने में उनके घर का कोई दरवाजा खटकाता है, उनकी कुटिया का दरवाजा खटकाता है कोई, और उनकी पत्नी होती है वो कुटिया का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने बहुत सुंदर से सलोने से एक किशोर है और कंधे पे उन्होंने बोझा उठाया हुआ है और वो आए हैं। तो वो उनको देखती है और कहती है, उनके रूप से बहुत प्रभावित होती है, लेकिन वो फिर भी प्यार से पूछती है कि बेटा क्या बात है। तो वो कहते हैं, जो सिंदूर किशोर होता है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक ब्राह्मण रहते हैं और मैं, वो मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ और मैं उनसे उनका शिष्य हूँ और ये मेरे जो गुरु हैं उन्होंने कुछ सामान भेजा है। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो बहुत असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि उसने कहती मैंने आज से पहले तो तुम्हें कहीं देखा नहीं है कि आप कहीं कुछ ब्राह्मण, मेरे पति के कोई शिष्य भी हैं, मुझे तो मालूम नहीं है और मैंने आज से पहले आपको देखा भी नहीं है। इतना सुंदर किशोर हमारे घर कभी कोई आया ही नहीं है। तो वो जो होते हैं, जो सुंदर किशोर होता है, वो बोलता है कि नहीं, आपको आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं शिष्य हूँ और मेरे जो गुरु हैं वो इस कुटिया में रहते हैं, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का वो नाम भी बता देते हैं। जो किशोर होता है वो ब्राह्मण का नाम भी बोल देते हैं, कह रहे ये कंफर्म है कि मैं यहीं पे आया हूँ और निश्चित रूप से यही इन्हीं ब्राह्मण का ही मैं शिष्य हूँ और उन्होंने ये सामान भेजा है, माता आप ये सामान रख लीजिए। तो वो इतना कहते कहते ये जो अपने उनके कंधे पे बोझा होता है वो उनके जो ब्राह्मण की पत्नी होती है उनके पैरों के पास वो रख देता है बोझा। जैसे ही वो नीचे झुकते रखता है तो वो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है देखती है कि जो उनकी किशोर की पीठ है उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है और कुछ ऐसे मार के निशान जैसे पड़ जाते हैं तो उनकी उसकी पीठ के ऊपर थे। तो वो देखती है तो एकदम उसको बहुत अजीब सा लगता है, बुरा भी लगता है कि अरे। तो वो पूछती है कि अरे बेटा ये किसने तुम्हारा ऐसे, किसने तुम्हें सजा दी या ऐसे कैसे, किसने तुम्हें तुम्हारी तुम्हें मारा है पीछे। तो वो जो ब्राह्मण जो किशोर होता है वो बोलता है कि मेरे जो गुरु है वो ब्राह्मण है और वो किसी बात से मेरे से असहमत थे तो इसी कारण उन्होंने मुझे ये सजा दी। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो बहुत सुन के बहुत विचलित होती है, वो कहती है कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि मेरे जो पति हैं वो तो ऐसे इतने दुष्ट, इतने निर्दयी तो नहीं है कि वो किसी इतने सुंदर किशोर बालक को ऐसे मारेंगे। तो वो जो किशोर होता है वो कहता नहीं माते, मेरी मेरी किसी बात से वो असहमत थे तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सजा दिया। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो उन्हें बहुत किशोर को प्यार करती है और अपने घर अंदर ले आती है, उसका उनका हाथ पकड़ती है और अंदर ले आती है कि नहीं तुम जहाँ बैठो मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूँ। और जो ब्राह्मण का जो वो किशोर ने बोरा रखा होता है उसमें से ब्राह्मण की पत्नी तेल
अनाज, गेहूँ, आटा, चावल वो सब निकालती है, सब्जियां वो सब निकालती है और उसके लिए भोजन तैयार करने लगती है। जब वो भोजन ब्राह्मण की पत्नी भोजन तैयार कर रही होती है तो जो देख साथ साथ वो अपने मन हृदय में ब्राह्मण से ये बात कर रही होती है कि मेरे पति ऐसे कैसे हैं कि इतने सुंदर बालक को सजा दे देंगे, मतलब ये मन में सोच रही होती है और साथ साथ भोजन में व्यस्त भोजन बनाने में व्यस्त हो जाती है। इतने में ब्राह्मण आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं उनकी पत्नी उनको देखती है और एकदम बोलती है कि आप कब से इतने दुष्ट हो गए। वो कहते क्या हुआ कि आपने अपने शिष्य को इतने जोर से मारा कि उनकी वो ऐसी सजा दी कि उसके पीठ पे सब निशान पड़े हुए हैं। तो वो बहुत ब्राह्मण भी सुन के बहुत असमंजस में पड़ते हैं और कहते हैं मेरा तो कोई शिष्य ही नहीं है, मैंने ना किसी को मारा ना मैंने किसी को सजा दी ना ही मेरा कोई शिष्य है। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो बोलती है कि ऐसे कैसे, ये देखो यही किशोर बैठा था अभी देखे बाहर होगा। और वो दोनों बाहर निकलते हैं और सारी देख लेती है, सब उसमें देखते हैं आसपास कुटिया के आसपास जहाँ किसी पेड़ के नीचे कहीं कि भी वो बालक मिल जाए उन्हें दिख जाए, लेकिन वो बालक उन्हें कहीं नहीं दिखता, वो अदृश्य हो जाता है बालक। तो जो ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण दोनों घर आ जाते हैं और बहुत थक जाते हैं और अपना भोजन पाते हैं और अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। इसी दौरान ब्राह्मण अपना स्नान आदि करते हैं और अपने नियम के अनुसार रात शाम को वो फिर भगवत गीता लेके उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो भगवत गीता का भगवत गीता को खोलते हैं, जैसे ही बुक भगवत गीता खोलते हैं तो वो देखते हैं कि जो 9.22 नौ अध्याय 9 का 22 श्लोक के ऊपर वो सुबह छोड़ के गए थे, और जब वो देखते हैं तो वहां वो देखते हैं कि एक्सक्यूज मी कि ये कैसा, वो देखते हैं कि अरे मैंने तो सुबह यहाँ पे लाल रंग का निशान लगाया था तो ये निशान तो यहाँ पे है नहीं कि वो निशान कहाँ चला गया, सुबह तो मैंने यहाँ निशान लगाया था कि ये मुझे, मैं इस श्लोक से असहमत था तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया था सॉरी तो बहुत एकदम परेशान भी होते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये मेरा जो निशान लगाया था वो तो बिल्कुल साफ है पेज उस पृष्ठ पर कोई निशान नहीं है। तभी एकदम वो रियलाइज करते हैं और जैसे ही वो रियलाइज करते हैं तो वो फूट फूट के रोने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये क्या किया मैंने, मैं भी कितना पागल हूं, मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैंने क्या करा, मैंने भगवान के वाणी के ऊपर संशय करा, आज भगवान मुझे मेरी ही गलती को जताने के लिए, मेरी गलती को का एहसास कराने के लिए भगवान ने किशोर का रूप धारण करा और वो आए थे। तब ब्राह्मण के हृदय में सब कुछ क्लियर हो जाता है, ज्ञान आता है कि वो जो किशोर थे वो भगवान थे और वो ब्राह्मण को सबक सिखाने के लिए, ब्राह्मण को ने जो भगवान ब्राह्मण के हृदय में जो एक संशय का असूर था ना उसे खत्म करने के लिए, वो अपने भक्त की सेवा करने के लिए खुद आए थे और उन्होंने बताया कि जो मैंने भगवत गीता में लिखा वो बिल्कुल सही लिखा और मैं करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं भक्तों की सेवा अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। और ब्राह्मण सोचते हैं कि मेरे से अच्छी तो मेरी पत्नी रही जो जिसने बालक के रूप में उनके दर्शन किए, और मेरे हृदय में जो संशय का असुर बैठा हुआ था इस वजह से ना मैं उनके दर्शन कर पाया और ना ही मैं उनको देख पाया। और ये सोच के जब ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास होता है तो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और रोने लगता है कि ये क्या हुआ मेरे से। इस प्रकार हम इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवत गीता में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी बताया गया है, वह हमें भगवान के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, ना कि अपने मनोधर्म के द्वारा समझना चाहिए। भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान और त्रुटि रहित और
पूर्ण पूर्ण है, मतलब कि हमें ये कि पूर्ण भगवत गीता का जो भी ज्ञान है वो भगवान की वाणी से निकला हो तो पूर्ण है, उसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है और वो त्रुटि रहित ज्ञान है और हमें अपने जीवन में भी एज इट इज लेना चाहिए उसे। और जो भगवत गीता को भी हम जो है वो साक्षात भगवान है तो हमें उन्हें उसी ही सम्मान के साथ हमें अपने हृदय में भी उतारना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।